सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लम्हों में आती हैं, लेकिन वास्तव में जो ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ है वो कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो खुशी है। वो खुशी जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं, वो खुशी जब आप किसी और के जीवन को खुशियों से भरते हैं, वो खुशी जब आप किसी और के आंसुओं को पोंछे और उनकी बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भरते। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि आप खुश नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। हम सब काम करते हैं, जीते हैं खुश रहने के लिए, तो जितना हो सके खुश रहिए, अपने आसपास जितना हो सके खुशियां बांटें। और जो हमारे आज के मेहमान हैं वो कुछ ऐसा ही अपने जीवन में आज तक करते आए हैं, बहुत जल्द आपको उनसे मिलवाएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नकुल दत्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में, और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा। मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धोरारी में। और बिल्कुल सही कहा नकुल ने कि खुशी ऐसी चीज है जो किसी के चेहरे पे अगर दे, हम अगर दे तो हमें भी खुशी मिलती है। और इसी बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं भी चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें किसी को यूं ही नहीं मिलती, इसके पीछे एक लंबी दास्तान होती है संघर्षों की, और जो इन संघर्षों को पार कर लेता है मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो बचपन से मस्त मौला रहे, लेकिन जब ठान ली कि समाज से कुछ अलग हटके करना है, कुछ अलग बन के दिखाना है, तो बस ठान ली, और आज देखिए समाज के सामने एक मिसाल की तरह खड़े हुए हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर संदीप कुमार जी का। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धोरारी में। नकुल, आज संदीप जी हमारे साथ हैं, बहुत सारी जानकारी लेंगे, इनके जीवन पे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अगर समय के कुछ पन्नों को हम पलटे, फिर से गुजरे उन्हीं बचपन की गलियों से, क्योंकि बचपन कहते हैं बहुत खूबसूरत भी होता है, बहुत मासूम भी और होता वही याद रहता है जीवन भर। जी, तो कैसा रहा आपका बचपन, कहाँ जन्मे, कहाँ पले बड़े? मेरा जन्म रायसिंह नगर, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरा जन्म हुआ और ग्रेजुएशन तक मैं वही पला पड़ा। ग्रेजुएशन के बाद मैं जयपुर यहाँ रहा। जन्म के बारे में जैसा है कि परिवार इसकी बात करें तो मेरे एक भाई और एक बहन मेरी परिवार में रहे। पिता मेरे डाइट में प्रिंसिपल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और जैसे स्टार्टिंग उनकी एक स्कूल लेक्चरर के रूप में संस्कृत शिक्षा से रही। माता मेरी गृहिणी रही और ये मेरे पारिवारिक और जन्म की पृष्ठभूमि रही। एक भाई और एक बहन, सर सबसे शरारती आप रहे हमें मालूम हुआ, और शरारत के किस्से तो आपके बहुत सारे हैं, सब पे आएंगे, लेकिन वो एक कौन सी बातें हैं जो आपको आज आपके जहन में हैं या आज आप कुछ हमसे शेयर करना चाहें, बचपन की कोई किस्से, बचपन के क्या आप खेलते थे, क्या आपकी नटखट शरारतें रही? पिताजी शिक्षक रहे हैं तो डिसिप्लिन भी काफ़ी रहा होगा, पिटाई भी काफ़ी हुई होगी, बताएं सर। मैं इस बारे में, जैसे मैं कक्षा एक से पाँच तक मैं एक बिल्कुल घर के पास एक स्कूल था वहाँ पढ़ा जी, और मैं जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा, मैं फर्स्ट या सेकंड रैंक की रही मेरी, लेकिन जो शरारतें थी, जो मुझे मेरे आसपास जो बच्चे या मेरे मित्र जो थे उनको स्कूल में जो टीचर्स हैं उनसे पिटवाने में बड़ा मज़ा आता था। तो एक ऐसा ही हमारी एक जो टीचर थी, जो हिंदी की बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी, तो वो किसी क्लास में जब एक बच्चे को खड़ा करके कहती आप लेसन पढ़ना स्टार्ट करें, अच्छा। वो ये वॉच करती थी कौन बच्चे शरारत कर रहे हैं, कौन बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं मेरे आसपास जो बैठे बच्चे थे, जो मेरे मित्र थे, उनको मैं बीच बीच में बात करना उनसे शुरू करता, अच्छा। और मेरा ध्यान सिर्फ उधर रहता कि मैडम क्या पढ़ रही है और लास्ट वर्ड क्या है, और जैसे जैसे वो पेज पलटते बुक के, तो मैं भी मेरा पेज पलट लेता, लेकिन साथ वाले को बातचीत भी लगाए रखता। फिर मैडम खड़ा करती कि दोनों खड़े हो जाओ, बताओ मैं कहाँ से पढ़ रही थी, तो मैं तो लास्ट वर्ड को पकड़ के बता देता और वो साथ वाला बता नहीं पाता, तो उसकी पिटाई होती तो मुझे बड़ा मजा आता। तो ये स्कूल में थोड़ा सा रहा। और इसके बाद जो स्कूल जो है मेरा, क्योंकि मेरे फादर सरकारी स्कूल में एज ए लेक्चरर संस्कृत थे, तो उनका ये था कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में ही पढ़े, जी। तो मुझे जो छठी कक्षा जो मेरी थी सरकारी स्कूल में लगाया गया मुझे, और लगभग 3 साल एक सरकारी स्कूल था रायसिंह नगर में जिसे कंपलसरी स्कूल कहते थे, वहाँ मैं पढ़ा। और उसके बाद जो 9th और 10th और 11th 12th जब मैं गया, मेरे फादर ही उसी स्कूल में एज ए प्रिंसिपल थे, तो उनका डिसिप्लिन घर में भी था और स्कूल में भी था, तो उनका ये मानना था कि ये स्कूल में, ऐसे स्कूल में पढ़े
सरकारी इसी स्कूल में पढ़े ताकि और बच्चे भी मोटिवेट हो सके और बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि वो सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं। जी सर, ऐसा हम कहते हैं कि अगर हम कुछ भी अच्छा सीखते हैं, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो शेयरिंग की आदत हो, चाहे वो केयरिंग की आदत हो, तो वो हम अपने माता पिता से ही सीखते हैं। यकीनन आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और एक चीज जो होती है, पैसे की अहमियत, वो हमें पिता से ज्यादा बेहतर कोई नहीं सिखा पाते। तो क्या कुछ ऐसा रहा आपके जीवन में, पिता से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, क्या रहा ऐसा कुछ? पिता और माता, क्योंकि दोनों ही हमारे परिवार में अर्निंग, क्योंकि फादर मेरे शिक्षक के रूप में और माता मेरी एज ए बुटीक चलाते थे। अच्छा। तो दोनों ही अर्न करते थे और अर्न ठीक ठाक करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये था कि ये बच्चा हमारा किस तरह से सीखे कि खर्चा किस तरह से करना है। जी। तो जितनी भी फादर को सैलरी और मदर की जो अर्निंग थी वो अलमीरा में रखते थे। अच्छा। और तीनों जो हम भाई बहन थे, हमें ये कहते हैं जिसको जितना चाहिए वो आप इसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, और आप यूज़ करने के बाद मंथ के एंड में जो पैसा बचेगा उसको हम बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, और जो बचेगा बैंक में अगर तो वो आपके इन फ्यूचर काम आएगा, और नहीं बचेगा तो आपके काम नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने देखा, हर चीज़ में देखा है, तो आप शुरुआत में ज़रूर एक दिन, दो दिन, पाँच दिन पैसा खर्च कर सकते हैं, दस दिन कर सकते हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि ये सब कुछ व्यर्थ है। जी। और फिर आपकी सेविंग की आदत, और ऐसा ही फिर हमने परिवार में एक संतुलन बनाए रखा कि पैसा हमें कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है। तो मेरे फादर और मदर ने कभी भी जी पैसे को लेके हमसे कभी ये बात सुनने में नहीं आई कोई अनावश्यक हमने कोई खर्च किया हो, क्योंकि ये चीजें हमने परिवार से ही सीखी और उनके खुले सपोर्ट की वजह से मैं सीख पाया। बहुत ही बढ़िया बात सर आपने कही। और क्रिकेट का आपको काफी शौक रहा है सर, और प्रज्ञा आपको मालूम है ये जो सर की पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा है वो क्रिकेट से भी आ जाया करता। अच्छा। था, जानते हैं सर से ही। सर बताइए कैसे, क्या किस्सा है सर ये? मेरे गांव में जो क्रिकेट के जो प्लेयर थे उनमें से एक दो प्लेयर जो अच्छे प्लेयर में से मैं रहा हूँ। जी। और जो मैं हमेशा मेरा ये रहा, मैं बड़े जो मुझसे आठ आठ दस दस साल जो बड़े लड़के थे उनके साथ क्रिकेट खेलता था। जी। तो उसी में एक पदम वर्मा करके बहुत अच्छा प्लेयर था जो क्रिकेट राजनगर में खेलता था। तो वो बड़े प्लेयर स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा है इसको फील्डिंग में लगाओ। अच्छा। तो वो फील्डिंग में लगाए रखते और तीन चार दिन बाद बैटिंग आती। अच्छा। तो ऐसा उनके साथ सीख सीख के जो मेरे हम उम्र के जो बच्चे थे उनसे मैं एडवांस हो गया। अच्छा। तब वो जब गांव में कोई मैच खेलते थे, फ्रेंडली मैच होता था, लेकिन उसमें जैसे 50 रुपए का मैच रख लिया, जो जीतेगा वो फिर 50 रुपए की पार्टी कर देगा या 100 रुपए की पार्टी कर देगा। तो मैं जब मुझे बुलाने आते, क्योंकि पर डे मुझे 3 या 4 मैच खेलने होते थे। अच्छा। तो जीते चे हारे मैं, मुझे मतलब खेलने के लिए मैं 5 या 10 रुपए उनसे लेता था और मोस्टली मैं मैच उनको जितवा देता था। सर जैसा कि होता है कि जो खेल होते हैं वो हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाते हैं, और खेलों में आपकी काफी दिलचस्पी रही, लेकिन आज का जो माहौल है, आज का जो वक्त है वो काफी बदल गया है। आपके बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेला होगा, हम तो सितोलिया भी खेलते थे, खो खो भी खेलते थे, तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाते थे। लेकिन आजकल के हम बच्चों को देखते हैं, हमारे खुद के बच्चों को देखते हैं, तो वो जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो नहीं खेलना पसंद करते, वो फोन में लगे रहते हैं या कंप्यूटर में या टीवी में। ये खेलों की जगह कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल ने ले ली है, क्या आपको लगता है कितना सही है या कितना गलत है? बिल्कुल, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो मोबाइल का जो सबसे बड़ा नुकसान जो आज की युवा पीढ़ी में देखने को मिल रहा है, जो किसी काम को करने के लिए, जैसे स्टूडेंट का काम है पढ़ाई करना, उसकी एकाग्रता को जो भंग करने का जो माध्यम है ये मोबाइल ही है। क्योंकि मोबाइल पर आजकल फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर जितने भी है सोशल मीडिया के, तो वो आपका ध्यान उधर नहीं करके, एक सर्वे भी हुआ है उसमें देखा गया कि कैमरा लगाया गया पब्लिक पैलेस पे, मोबाइल पे कोई मैसेज भी नहीं आ रहा, उसके बावजूद भी हर 3 या 4 मिनट बाद अपना मोबाइल निकाल के लोगों को देखने की आदत पड़ चुकी है कि कोई फेसबुक पे अपडेट हुआ या कहीं भी अपडेट हुआ हो। तो ये क्या ध्यान हटाने का एक तरीका, मतलब एक मोबाइल एक ऐसा जरिया हो चुका है, तो इससे हटने के लिए स्टूडेंट को ये चाहिए कि अगर आपको खेलना है, अगर आपको एंजॉय करना है, तो अपने शारीरिक विकास के लिए आप किसी खेल को ज्वाइन एंजॉय करें, बैडमिंटन खेले, क्रिकेट खेले, टेनिस खेले, और नहीं तो आप रनिंग ही कर ले। जब आपको गुस्सा आता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो आप 100 मीटर की रनिंग कर ले। मैं स्कूल के दौरान, मैं कॉलेज में बताना चाहूँगा, जब मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर में, तो मैं रनिंग भी करता था 100 मीटर। तो फर्स्ट टाइम वहाँ 100 मीटर की रनिंग हो रही थी, कॉम्पिटिशन था, तो मैंने सोचा कि
ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो पृष्ठभूमि है ग्रामीण और शहरी पृष्ठभूमि भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो आए हुए थे, जो रायसनगर से भी और रूरल जो ग्रामीण, वो रनिंग कर रहे थे, बाकी शहर वाले देख रहे थे। तो एक लड़के ने कहा कि शहर वालों की बस की नहीं है, तो मैंने क्या पैंट को ऊपर किया और शूज मैंने पहन रखे थे, तो मैंने रनिंग की, तो मेरी सेकंड रैंक उस रनिंग में आई। अच्छा, तो रनिंग भी कर, आप कुछ भी चाहे आप कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका जो समय है, सही समय जो स्टूडेंट लाइफ है, तो आप इस मोबाइल और इसकी बजाय आप अपने स्पोर्ट्स में, आप अपने कैरियर के लिए जो कर सकते हैं वो करें, और मोबाइल आपको देखना है तो एक टाइम मैनेजमेंट करें। आपने बोला कि रायसी नगर में आप जन्मे हैं, वहाँ पले बड़े हैं और बहुत सारे मित्र भी यकीनन वहाँ रहे होंगे, तो उन्हीं में से एक आपके अभिन्न मित्र का फोन है, एक संदेश है आपके लिए, तो पहले वो संदेश सुनते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए। मुझे अपने परम मित्र संदीप के बारे में बात करते हुए बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। संदीप के साथ जो मेरी मुलाकात है वो काफ़ी वर्ष पहले छात्र जीवन के दौरान हुई थी, जब हम दोनों ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। संदीप अपने लक्ष्य पर अड़िग रहे और उन्होंने उसी दिशा में निरंतर प्रयास किया, हालांकि मैंने अपने जीवन की दिशा को कुछ अलग कर लिया था, परंतु हमारी मित्रता में किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं आई और हम दोनों ने ही उस मित्रता में उसी सहजता का अनुभव किया। शायद यही वजह रही कि मैंने अपने जीवन के हर बात को उनके साथ शेयर किया है और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। अगर मैं संदीप की विशेषताओं को लेकर बात करूं, तो संदीप का जो क्रिस्टल क्लियर विजन और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अपने लक्ष्य को लेकर वो पूरी तरह से क्लियर रहते हैं और उनका जो उसके प्रति पॉजिटिविटी रहती है उसकी वजह से वो जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को अपना ज्ञान देकर उनका कैरियर संवारने में मदद कर रहे हैं और वो निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं, और मेरा ये विश्वास है कि बहुत सारे विद्यार्थी उनके इस जो कार्य है उनसे लाभान्वित होंगे। तो सर, ये तो आपके मित्र थे जिन्होंने आपके लिए बोला कि एकदम विजन क्रिस्टल क्लियर रखते हैं हमेशा और दोस्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उन दोस्तों का हम जिक्र यहाँ जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि लात भी खाएंगे तो दोस्तों के साथ और भात भी खाएंगे तो दोस्तों के साथ। ऐसी यारी दोस्ती के कुछ किस्से जहन में है? मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ, बचपन के जो फ्रेंड है उन फ्रेंड के साथ ही मेरा जीवन व्यतीत हुआ, और जब मैं यहाँ आया राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो कौशल मिगलानी ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इनसे मैंने बहुत चीज़ें सीखने को मिली। किससे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके आसपास आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, लेकिन कौन सा दोस्त आपके साथ चलता है और कौन सा नहीं चलता है, ये चीज़ आप और आपके परिवार की जो पृष्ठभूमि है ये तय कर पाती है। मैं इसमें एक मेरे फादर का थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जब मैं सब्जेक्ट को लेके थोड़ा मेरा ये था कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना या ये सब्जेक्ट नहीं लेना, तो कुछ जैसे ग्रेजुएशन 12th के बाद ग्रेजुएशन में कुछ मेरे फ्रेंड थे वो बीसीए करने के लिए बाहर चले गए, तो मैंने फादर को कहा मुझे बीसीए करनी है, मुझे भी बाहर जाना है, तो फादर ने कहा नहीं, हम तो आपको नहीं भेजेंगे, आपको यहीं पढ़ना है। और जैसे मेरा एक फ्रेंड है कौशल मिगलानी, जब मैं ग्रेजुएशन करके आया तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा की ये तैयारी कर रहे थे, तब ये और इनका एक ग्रुप मेरे एक फ्रेंड सारे ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे उस समय जी। तो सब ने मुझे कहा कि ऑस्ट्रेलिया चलना, वही अपना अच्छा करेंगे, और ये ऑस्ट्रेलिया से मुझे कॉल करते तो मुझे भी लगता है यार ऑस्ट्रेलिया जाना ज़्यादा अच्छा है ये प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करना। और फादर ने भी कहा मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं, आप का जो कुछ करना है वो यही करना है, तो मैं बस उस बात को लेके बैठा रहा। और मदर का जैसे मैं बताना चाहूँगा, मदर का ये रहा, मदर जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे कहते हैं कि हम बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे, तो मदर ये कहती है कि हम चाहे दो रोटी कम खा लेंगे मजाक में, लेकिन तुझे बाहर ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगे। तो मैंने कहा आप दो रोटी ज़्यादा खा लेना, मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो, तो नहीं भेजा। मदर और फादर के सपोर्ट की वजह से मैं यहीं रहा, यहीं प्रशासनिक सेवा की तैयारी की और आज मैं जिस पद पे हूँ। सर, ये जो सफ़र रहा है आपका, इस सफ़र की शुरुआत आपने कई परीक्षाएं आपने दी हैं, कई आपने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, कईयों के प्री क्लियर किया, किसी का मेंस भी क्लियर कर लिया, कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। इस सफ़र के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये आपके तैयारी का सफ़र, और क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, क्या कुछ बातें जो आपने समझी जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उन छात्रों को बताना चाहें।
बिल्कुल, मैं स्कूल जो स्कूलिंग से मैं इसको बताना चाहूँगा, मैं टेंथ के बाद जब मैं स्कूल में गया तो मेरे फादर चूँकि संस्कृत के अच्छे व्याख्याता थे तो उन्होंने मुझे कहा एक संस्कृत सब्जेक्ट का चुनाव तुम्हें करना है 11th। ओके, तो मैंने संस्कृत, हिंदी और हिस्ट्री 11th और 12th मुझे दिलाए। जी, मेरी रुचि मैथ में थी और मैं क्योंकि मैथ में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे 10th में, तो फादर ने कहा नहीं संस्कृत पढ़ना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से वो संस्कृत के श्लोक और वो उनको पढ़ते हुए, और फादर मुझे स्कूल के बाद डेली 1-2 घंटा लेके बैठ जाते शाम के समय, और शाम के समय मैं क्रिकेट खेलूं या संस्कृत के श्लोक याद रखूं, ये मेरे लिए बड़ा मुसीबत। तो मैंने धीरे धीरे मदर को प्रिपेयर किया, मैंने कहा मदर मेरी ये मेरी संस्कृत छुड़वा दो ताकि मेरी जान छूट जाए और मैं क्रिकेट खेल सकूँ या कुछ और इन्जॉय कर सकूँ। तो 11th 12th के बाद वहाँ जो कॉलेज था वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं था और ऑप्शन के रूप में मुझे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ा। और वहाँ मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। फर्स्ट ईयर में जैसे मुझे हमेशा ये शौक रहा कि मैं जब पढ़ूँ तो मुझे कोई नहीं देखे, और लेकिन जब मैं मस्ती करूँ तो मुझे सारी दुनिया देखे, ताकि दुनिया को लगे ये सिर्फ मस्ती करता है। तो इसी तरह से जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं मस्ती ही करता रहता, दिखता सबको। तो फर्स्ट ईयर में क्योंकि तीनों सब्जेक्ट थोड़े मेरे अलग होने से मेरे मार्क्स 60% से थोड़ा कम आए, और तब वहाँ जो एक मेरे मित्र थे तो उन्होंने मेरे लिए कहा कि मुझे पता था कि तेरे तो इतने ही मार्क्स आ रहे हैं। तो मैंने उस बात को थोड़ा सा मेरे जहन में रखा कि मुझे इस बार थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी करनी है। तो जब सेकेंड ईयर में गया तो मेरे 67, थर्ड ईयर में गया तो 70, और वो जो मेरा मित्र था वो 60 के आसपास ही घूमता रहा। तो मैं जब भी मुझे मिलता मैं उसे मजाक में कहता मुझे तेरा तो पता ही था यही मार्क्स आने हैं। तो ऐसा जीवन निकला। फिर ग्रेजुएशन के बाद मेरे लिए चुनाव था कि MA किस विषय में की जाए। तो उसी दौरान राजकुमार भैया थे वहाँ राजस्थान, वहाँ हमारे रायसेन नगर में ही, जिनका IAS परीक्षा को उन्होंने पास किया। जी, वो मेरे पिता के शिष्य भी रहे तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अच्छा है, इसी से मेरा IAS प्री और मेंस और फाइनल सिलेक्शन हुआ। चूँकि मेरे जो मार्क्स थे मैं तीनों की अगर बात करूँ तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स 77% साइकोलॉजी में थे, 65 इकोनॉमिक्स में थे, और सबसे कम जो थे 55 वो सोशियोलॉजी में थे। तो फादर ने कहा कि तेरे दो सब्जेक्ट तो अच्छे हैं तो यही सब्जेक्ट तेरा कमज़ोर है, तो इसी में MA कर ले। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसी दौरान JNU में एंट्रेंस दिया इकोनॉमिक्स से। एक घटना वहाँ भी मेरे साथ जब एंट्रेंस देने गया वो भी मेरे जीवन में काफ़ी मतलब परिवर्तन लाने वाली घटना थी। जी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने उसी साल MA मनोविज्ञान में एडमिशन लिया। जी। और फिर वो सब छोड़ के मैंने बीकानेर MA सोशियोलॉजी में एडमिशन लिया। वो भी मेरा जो समाजशास्त्र का जो था वो पीरियड कुछ ऐसा ही निकला, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी थे कि करना क्या है, करना क्या है, कि आप ये करें कि या कि और स्टडी करें या जॉब करें। तो इन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में 2003 से लेकर 2012 का जो सफ़र है ये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों में रहा, और राजस्थान के और UPSC कई एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होने के कारण ये स्ट्रगल मेरा बढ़ता गया, और परिवार और समाज का भी आप जैसा दबाव देखते हैं वो देखने को मिला, लेकिन फाइनली ये सिलेक्शन। क्या बात जी। सर, आपने बताया कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ जो आपका रुझान रहा वो आप राजकुमार जी आपके प्रेरणा स्रोत रहे, उन्होंने आपको इस तरह के लिए प्रेरित किया कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ अपना रुझान बढ़ाइए। तो राजकुमार जी का आपके लिए एक संदेश है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आइए। प्रज्ञा और नकुल, संदीप मेरा स्टूडेंट रहा है और बहुत ही ओबीडियंट है, इंटेलिजेंट है, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट रहा है। संदीप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, पोलाइट है, और उसकी खास बात यह है कि वो किसी भी समस्या पर बहुत ही गहराई से, तफसील से विचार करता है, फिर उसका समाधान करता है। वो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में अपनी सेवाएँ दे रहा है, जो कि उसके स्वभाव के अनुकूल भी है, बहुत ही व्यावहारिक है, समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखता है। और गुरु के लिए तो बड़े गौरव का विषय होता है कि उसका कोई भी स्टूडेंट यदि अच्छा कार्य कर रहा है किसी भी क्षेत्र में तो बड़ी खुशी होती है। और
मैं तो उसके लिए यही कामना करना चाहता हूँ कि वो इसी प्रकार से तरक्की करता रहे, जीवन में सफल होता रहे, अच्छे काम करता रहे। मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ है। सर, ये आपके गुरु थे जिन्होंने बोला कि मुझे बड़ा गर्व है अपने शिष्य पे और मैं चाहूंगा कि हमेशा तरक्की करता रहे, और शुरू से बड़े सॉफ्ट स्वभाव का रहा है, मस्त माला रहा है, लेकिन हमेशा स्वभाव सॉफ्ट रहा है। क्या यही वो सॉफ्टनेस थी, क्या ये यही वो हृदय परिवर्तन किया फिर इस वाक्या ने कि आप समाज सेवा की तरफ बढ़े? आपका जो विभाग है वो भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, वहाँ दिव्यांग जनों की सेवा आप करते हैं, इस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, कैसे रुझान हुआ, क्या वो भावनाएं थी जो यहाँ पर आए हैं? मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मेरे फादर ने मुझे जब सरकारी स्कूल में लगाया, उस स्कूल में जब मैं लगा उसकी फीस मात्र 70 रुपए थी, और जब मेरी सिस्टर जिस सरकारी स्कूल में जाती थी उस स्कूल की मात्र फीस 5 रुपए थी। अच्छा। तो बाकी जो मेरे साथ के, मेरे आस पड़ोस के, मोहल्ले के जो मेरे मित्र थे, वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, अच्छी यूनिफॉर्म पहन के जाते, सूट बूट टाई वाई लगा के जाते, और जिस स्कूल में मैं जाता था वहाँ जो सरकारी स्कूल की जो यूनिफॉर्म थी, ब्लू कलर की शर्ट और खाकी कलर की पैंट, वो पहननी पड़ती थी। तो मैंने जैसे ही मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने देखा सब ब्लू ब्लू कलर, और बाकी जो फ्रेंड हैं उनको देखता हूँ सूट बूट टाई में निकलते हैं। तो मैंने मेरे पीटीआई सर थे वहाँ, उनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैंने कहा सर मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर लूँ यूनिफॉर्म का। मैंने हल्का सा लाइट और हल्का सा क्रीम कलर की पैंट मैंने सिलवा ली जी। और वो फादर को शायद पता नहीं चला, क्योंकि 2-3 दिन तक मैंने जब उनको उस पैंट और शर्ट को मैं पहन के गया, तो बाकी जितने भी बच्चे थे जी सरकारी स्कूल के, वो मुझे बड़े ऐसे गौर से देखते, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बच्चे जो हैं वो ये देख रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल का बेटा है, शायद इसको ये लिबर्टी इसलिए मिली हुई है। और दूसरा, पूरे वीक में एक दिन यूनिफॉर्म के लिए छूट मिलती थी, आप कोई भी चाहे कपड़े पहन सकते हैं। तो उस दौरान जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे आते थे मेरे साथ के, मेरे जो मित्र थे, वो उसी यूनिफॉर्म को पहन के आते, किसी की कॉनी से कोई शर्ट फटी है, किसी की पैंट फटी है। तब मैंने कुछ कलरफुल कपड़े कुछ दिन तो पहने, लेकिन मुझे लगा इन बच्चों के साथ मेरे जो मित्र हैं इनके पास और कपड़े भी नहीं है, और तब मैंने भी जिस दिन यूनिफॉर्म की जब छुट्टी होती थी तो मैं भी यूनिफॉर्म पहन के ही जाता था। तो ये मुझे थोड़ा सा सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण गरीबों के प्रति या जो वंचित वर्ग है उनके प्रति मेरी मतलब सहानुभूति शुरू से ही पैदा हुई। मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल या कहीं और पढ़ता तो शायद ये विचार मेरे मन में या उनकी सेवा करने या उनका सहयोग करने के लिए शायद नहीं आता। और यही रहा कि जब मैं वहाँ से निकला और मैं वहाँ था जो कॉलेज की भी, जैसे मैं बताऊँ कॉलेज में भी जहाँ मैं पढ़ा वहाँ भी जो है सामान्य परिवारों से ही बच्चे पढ़ते थे जी। और समाजशास्त्र जो मेरा विषय था इसने भी मुझे जो समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जी। श्री, जो आपने बताया कि आप ये समझ चुके थे कि मुझे अब कुछ करना है तो सोशल जस्टिस के लिए ही करना है, जो वंचित वर्ग है उन्हीं के लिए कुछ करना है, तो सर ऐसा ही कुछ आपके जीवन में दो ऑप्शन आपके पास आए, एक बैंक की नौकरी जो आपने पीओ का एग्जाम दिया उसमें आपका सिलेक्शन हुआ, और फिर एक ये जो सामाजिक न्याय विभाग है इसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया। तो आपने वो छोड़कर ये चुना, फिर आप एज ए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बने। बनने के बाद सर क्या संवाद रहा माता पिता से, क्या जिम्मेदारी आपने अंदर महसूस करी, और क्या कुछ आप उस वक्त आपके जहन में क्या था सर? मैं थोड़ा बैंक के बारे में बताना चाहूँगा पहले, हालांकि जॉब बहुत अच्छी, बैंक की जॉब अच्छी है और आज के जो है चार्म बड़ा बैंक के लिए रहता है, लेकिन जब मैंने बैंक को देखा, बैंक में देखा एक व्यक्ति आता है कुछ पैसे लेकर, वो जमा कराता है, जो काउंटर पे जो बैठा एम्प्लॉई है वो इसको गिनकर डिपॉजिट कर लेता है, दूसरा स्लिप लेके आता है और वो कहता है पैसे निकालने हैं मुझे, वो निकाल के दे देता है। तो जो आपका जो व्यवहार है और आपको जो उसकी सेवा करनी है, मतलब एज ए बैंक के एम्प्लॉय तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको जो उससे बढ़कर उसकी कोई सेवा करनी है, किसी कोई मदद करनी है, किसी वीडियो की पेंशन करवानी है, किसी की स्कॉलरशिप दिलवानी है, तो ऐसी चीज़ है जो इसी डिपार्टमेंट में हम कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इस जो जॉब का मैंने चुनाव किया। इसके पश्चात जब मेरी जॉब लगी उस दौरान मेरा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का मेंस भी था, यूपीएससी भी थी, लेकिन मैंने जब इस जॉब में जैसे लगा तो मुझे लगा कि मैं इस जॉब में रहते हुए अधिक सेवा मैं कर पाऊँगा, तो मैंने कंटिन्यू मेरी 7 से 8 साल इस सेवा में मैंने अपना निकाला। और जो मदर फादर की जो मैं बताना चाहूँगा,
मदर फादर का भी यही रहा कि जो हमारा जो बच्चा है कैरियर को लेकर जिस तरह से जो स्ट्रगल इसने देखा है कि आप जैसा आप देखेंगे जो आम जन है अपने बच्चे को जैसे जयपुर या दिल्ली या मुंबई कहीं तैयारी के लिए भेजते हैं तो काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ता है, वो चीज़ मैंने देख ली। और जो आने वाली पीढ़ी है उनको अब मैं समझा पाता हूँ कि उस स्ट्रगल को कैसे आप कम कर सकते हैं, क्या तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो पिता मेरे जैसे शिक्षक थे वैसे ही मैं एक शिक्षक बनकर इस जॉब में रहते हुए और बच्चों का मार्गदर्शन भी दे पा रहा हूँ। सर बतौर आरएएस आपकी जो पोस्टिंग रही वो समाज कल्याण विभाग के अलग अलग विभागों में रही और दिव्यांग जन विभाग आपके पास रहा, तो सबसे पहले तो यही हम पूछना चाहेंगे क्या है दिव्यांग जन विभाग और क्या इसके कार्य है। बिल्कुल, मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग मिली जो निदेशालय विशेष योग्यजन है इसी में मिली और इस विभाग जो निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग के बारे में मुझे जानकारी थी लेकिन जो विशेष योग्यजनों के लिए अलग से जो काम हो रहे हैं इसकी जानकारी मुझे इस जॉब में आने के बाद ही पता चली। और जॉब में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो मैंने विभाग की योजनाएं जैसे दिव्यांग को पेंशन दिलाना, उनको स्कॉलरशिप दिलाना, उनकी विवाह पर उनको प्रोत्साहन करना, उनके लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, तो ये सारी चीज़ें इस विभाग में थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति आया दिव्यांग आया कि मुझे ट्राई साइकिल नहीं मिल पा रही है तो मैं उसे बताता हूँ आप यहाँ जाइए और आपको ट्राई साइकिल मिल जाएगी, तो वो तुरंत उसे वो चीज़ मिल जाती। किसी की स्कॉलरशिप नहीं आ रही तो मैं यथासंभव कोशिश करता उसके जल्दी से जल्दी उसकी स्कॉलरशिप आ जाए, तो ऐसे मज़ा आता था। दूसरा जैसे जयपुर शहर की बात करें, जयपुर में सुगम्य भारत अभियान के तहत 90 बिल्डिंग में एक्सेसिबल इंडिया कंपेन के तहत काम करवाना था, तो उस विभाग ने मुझे नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया। नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के बाद 90 बिल्डिंग में 78 बिल्डिंग में भी काम हो चुका है, तो उसमें जो रैंप है, लिफ्ट है, रेलिंग है, वो डिसेबल के अनुकूल बनाना, वो उसको यूज़ कर पाए। अब जब भी कोई मैं बिल्डिंग में जाता हूँ वहाँ रैंप, लिफ्ट, रेलिंग ये चीज़ें मुझे दिखती है और कोई दिव्यांग व्यक्ति उसको यूज़ करता हुआ मुझे दिखाई देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और उसी कार्य के लिए नेशनल अवार्ड स्टेट को 2018 में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा राजस्थान सरकार को दिया गया। जी सर, आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पर हम अपने सीनियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि सीनियर भी हमसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, वो हम जरूर पूछेंगे। और आपके कुछ सीनियर्स हैं जो आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संदेश है आपके लिए उनका, तो पहले वो सुनते हैं उसके बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आइए। संदीप एक बहुत ही कर्मठ अधिकारी हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और खासकर विशेष योग्यजनों से संबंधित कार्यों में इनकी बहुत रुचि रही है। गत एक वर्ष से जब से ये मेरे साथ कार्य कर रहे हैं मैंने ये अनुभव किया कि संदीप ना सिर्फ नीतिगत कार्य करने में रुचि रखते हैं लेकिन साथ ही क्षेत्र में भी उतनी ही लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं। अभी गत एक वर्ष में संदीप ने मेरे साथ जो कार्य किया उसको देखते हुए मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि संदीप इसी लगन से निरंतर आगे बढ़ते हुए आम जन के लिए, खासकर विशेष योग्य जन के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नकुल और प्रज्ञा, संदीप से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैं बतौर निदेशक निदेशालय में पदस्थापित हुई और वहाँ पर संदीप का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में मैंने जाना और मैं बहुत ही प्रभावित रही। जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में एक अधिकारी के नाते जाते हो, उस डिपार्टमेंट को हेड करते हो, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हों वो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हों, एक सिंसेरिटी दिखाएं और डिसिप्लिन्ड हों। तो ये सारी खूबियाँ मैंने संदीप में देखी कि उसमें जो एक काम के प्रति पैशन था, डेडिकेशन था और जो एक सिंसेरिटी थी, जिस तरीके से वो नई नई योजनाओं को प्रभावशील तरीके से लागू करें उसके बारे में सोचता था और पूरा जो सहयोग उसकी और उसकी टीम, वो एक तरीके से अपनी उस टीम का लीडर भी था और वो लीडरशिप जब मुझे मिली तो हमने बहुत अच्छा वहाँ पर कार्य किया और बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं संदीप और वो अपने जो भी कोवर्कर्स हैं उनकी हमेशा हेल्प करते रहे हैं और आज वो डीडी समाज कल्याण जयपुर अर्बन में पदस्थापित हैं, तो मैं उनको उनके भविष्य के लिए ढेर
सर आपके सीनियर्स ने आपके लिए बहुत कुछ बोला कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, और ऐसा होता है कि हम जीवन में रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, चाहे साथ में छोटा बच्चा हो उससे भी हम रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ये जिंदगी है जो हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो क्या यही सीख थी जो आगे बढ़ने में हमेशा आपको मदद करती रही, जिस मुकाम पर आप हैं इस सीख की वजह से ही है शायद? नहीं बिल्कुल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो मेरे सीनियर्स अधिकारी हैं उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप देखेंगे आप हर व्यक्ति से सीख पाते हैं, लेकिन जैसे बहुत अच्छे सीनियर अगर आपके साथ हैं, जो दो विशेषताएं मैं मेरे दोनों सीनियर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा, एक तो सरलता और स्पष्टता, और दूसरा बिना किसी दबाव के किसी काम को करना। तो ये आईएएस जो सीनियर आईएएस हैं इनकी विशेषताओं कारण मैं इनसे बहुत प्रभावित रहा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, मैंने कम से कम 10-12 आईएएस ऑफिसर के साथ मैंने काम किया, तो किसी को मैंने धार्मिक गुरु बनाया, जैसे मैं अमरीश सर हैं जो आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे धर्म की, पिता के बाद जो मुझे धर्म की ओर मतलब धार्मिकता की ओर मानवता की ओर प्रेरित करने वाले अमरीश कुमार जी हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर समीर शर्मा जी जो आईएएस ऑफिसर हैं, आपका जो स्टाफ है उसको कैसे आपको काम में लेना है, वो चीज़ें मैंने समीर सर से सीखी। हंसते हंसते कैसे काम करना है और माहौल को कैसे खुशनुमा बना रखे आपको काम करना है, तो हमारे रवि जैन सर जो आईएएस ऑफिसर हैं ये चीज़ मैंने उनसे सीखी, और हमारे अखिल सर और मैडम जो है इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और अखिल सर हैं इतने स्पष्ट और इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है किसी काम को किस तरह से करना है, ये चीज़ें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और अपने काम जो है इनसे हम जब सीखते हैं हम अपनी काम को उसी तरह से कर पाते हैं। मैडम है जो मैडम के लिए, अनुपमा मैडम के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इतनी सरलता से काम करते हैं। मैं एक पिछले जैसे 7 साल से जो दिव्यांगजन विभाग में था, तो जितनी भी हायर लेवल पे मीटिंग होती तो सैटरडे या संडे कॉल आता कि कल बहुत हायर लेवल पे मीटिंग होने वाली है तो आप आ जाओ जी। तो जैसे बॉस इसी तरह से फ़ोन करते, मैडम ने ज्वाइन ही किया था ऑफिस, ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 5-7 दिन बाद ऐसे ही एक हायर लेवल पे मीटिंग होनी थी जी। तो सैटरडे का मैडम को कॉल आया कि संदीप ऐसे ऐसे मीटिंग है संडे को। तो मैडम को मैंने आगे बोलने से पहले ही मैंने कहा, मैडम मैं कल मॉर्निंग में ऑफिस खोल के मैं सब कुछ तैयार करके दे दूँगा। तो मैडम ने मेरे लिए कहा, मुझे कहा कि संदीप नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप पे ये थोड़ा मैटर शेयर कर देना और जब मैं कहूँ जो पूछूँ मेरा फ़ोन पिक कर लेना। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा पिछले 7 सालों में पहली बार ऐसे चांस मिला मुझे बिना किसी दबाव के मैडम इतने लेवल हायर लेवल पे जाके मीटिंग अटेंड करेगी और बिना मुझे कोई प्रेशर नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने मेरे जो नीचे के स्टाफ है उनको भी मैंने बताया, मतलब आप मैं उनको बिना किसी दबाव के, जैसे आज मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो नीचे का जो स्टाफ है उन पर कोई प्रेशर नहीं रखता मैं कि अगर वो छुट्टी लेना चाहे तो छुट्टी ले लो, सरकार की तय है कितनी छुट्टी मिलनी है वो मिल जाएगी, वो पहले ले ले चाहे बाद में ले ले, ऐसा नहीं कि नहीं आज मैं छुट्टी नहीं दूंगा, तो जब चाहें छुट्टी ले लें लेकिन अपना काम वो परफेक्ट रखें। तो ये समझ में थोड़ा सा ये जो सीनियर बॉस है इनसे मुझे बहुत सर, आपने एज आपने सामाजिक कल्याण में काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय आपने काफ़ी सराहनीय काम किया है और ख़ासकर दिव्यांगजनों के लिए। यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ आपने जाना जब आप उनके करीब गए, आपने उनकी परिस्थितियों को बहुत ही गहराई से देखा है समझा है, तो क्या कुछ आपने जाना और उनके लिए क्या कुछ आपने कार्य किए हैं, और वो कोई एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का कोई जिक्र अगर आप करना चाहें, कोई किस्सा अगर आपको आप शेयर करना चाहें तो बताइए। और सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि जो दिव्यांग जन है उनके लिए जो सरकार की नीतियां और योजनाएं हैं वो उन तक कैसे पहुंचे, ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं इसमें दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो मैं एक जैसे जैसे मैं जॉब में लगा, जॉब के बाद की जो मेरी प्लानिंग थी, मेरा ये था, मेरा इतना लंबा समय मुझे ये तय करने में लगा कि मुझे किस जॉब में जाना है, मैं बैंक में जाऊं, मैं एसएससी में जाऊं, मैं यूपीएससी की या पुलिस सेवा में जाऊं, मैं कौन सी सेवा में जाऊं, ये तय करने में मुझे 5 से 6 साल का समय लगा। अच्छा। तो ये चुनाव जो है, अगर हम अगर आने वाले जो स्टूडेंट हैं हम उनको सभी समय पर बता पाएँ उनका क्या उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो किसकी तैयारी कर सकते हैं, उनकी योग्यता के बेसिस पे वो कौन सा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो ये चीज़ें अगर हमें उन्हें बता दें तो वो सही समय पर सही चीज़ को कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक जब जॉब में लग गया, मैं जॉब के दौरान मैंने एक दिन मन में ख्याल आया, मेरे पास काफ़ी बुक्स पड़ी है, एक रूम है जो पूरा बुक से भरा हुआ है, तो
तो मैंने कहा मैं इसको यूज़ कर नहीं पा रहा, कोई ना कोई व्यक्ति इसको यूज़ करे, कोई पढ़े और उसकी जॉब लगे. तो मैंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज बनाया कि कोई भी ज़रूरतमंद जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहता हो और वो कर नहीं पा रहा हो किसी भी कारण से, पैसे के अभाव से या किसी भी समय के अभाव से, तो मेरे घर रहकर वो निःशुल्क वो किताबें पढ़े और मैं उसे गाइड करूँगा. तो ये मैसेज बना के मैंने व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया. जो मेरे दोस्त जो थे वो मुझे हंसते भी थे, तू कौन सा तीर मार देगा, क्या कर देगा. तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास जितना समय मिलेगा मैं तैयारी करूँगा और उनको कराऊँगा. तो ऑफिस के बाद मैं 8 से 9 रात को या सैटरडे संडे मैंने, मेरे पास काफ़ी 100 के आसपास फ़ोन कॉल आए. अच्छा. तो मैंने 2 ज़रूरतमंद मुझे जो लगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के एक गांव से थे और उनका फ़ोन आया तो मैंने उनको रखने के लिए तैयार कर लिया. मैंने उन्हें रूम दिया, सारी बुक्स दी, सब कुछ दी. तो मदर ने मेरी मुझे एक बार कहा, तू जानता है नहीं किसी को, ऐसे ही रख लेता है घर में और कल को कोई बात हो जाए. तो मैंने कहा नीचे बुक्स पड़ी है सारी, अगर वो लेके भी जाएंगे तो बुक्स है ले जाएंगे और बुक्स का करेंगे क्या, पढ़ेंगे ही बुक्स को. और मेरा वो चुनाव बिल्कुल सही रहा. मैंने उनको बच्चों को दोनों को पढ़ाया. उनमें से एक बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में साल भर की तैयारी में शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है उसमें चयन हो गया और आज वो टीचर है. और एक दूसरा है अभी बच्चा, वो भी तैयारी कर रहा है. अब उसके प्री क्लियर होने शुरू हो चुके हैं और वो मेंस कर रहा है, तो वो भी जल्दी ही जॉब लग जाएगा. और शायद यही वो सहायता का, यही वो सेवा का जज्बा रहा सर, जिसके चलते आपने बहुत सारे दिव्यांग जनों के लिए कैंप्स भी लगाए, उसमें इक्विपमेंट भी बांटे, ये बात भी हम जरूर कहेंगे. लेकिन आपके उन्हीं स्टूडेंट्स में से किसी का एक फोन है, पहले वो फोन हम अटेंड करते हैं, उनसे बात करते हैं, उसके बाद और भी बातें करेंगे. हेलो. हेलो, नमस्कार. जी नमस्कार, स्वागत है आपका धरती धौरारी में. जी सर, आज आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक हमारे सामने बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अगर धन्यवाद देना चाहें तो आज दे सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मैडम, सबसे पहले तो गुरु के चरणों में मेरा वंदन है, प्रणाम है. संदीप सर से जब मैं व्हाट्सएप पे सिर्फ छोटा सा मैसेज मिला था और मैं इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने मुझे जयपुर बुलाया और मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं तत्व श्रेणी शिक्षक भर्ती में प्रथम प्रयास में सफल हो चुका सर का. तो मैं और मेरा परिवार सदा आभारी रहेंगे और सर के जितना मार्गदर्शन मिला हमें उसकी कितनी तारीफ करें उतनी बहुत कम है. कि सर जैसे महान गुरु जिन्होंने कारण मैं एक छोटे से गांव से गरीब परिवार से निकला था और आज अपनी सफलता को प्राप्त कर लिया और मैं स्कूल में शिक्षक के रूप में लग चुका हूँ, इसलिए सर का मैं और मेरा परिवार सदा आभारी रहते हैं. सर ने हमेशा अपना कीमती समय हमें दिया, ऑफिस में बिजी होने के बावजूद भी जब भी अपने परिवार के साथ रखा, सारी भौतिक सुविधाएं दी, जितनी तारीफ की जाए सर की, सदा सर का मैं ऋणी हूँ, मैं और मेरे परिवार. धन्यवाद मैम. जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं. सर ये आपके स्टूडेंट थे जिन्होंने बोला कि ऐसे गुरु भगवान सबको दें, और शायद यही वो सेवा का भाव रहा जिसने आगे चलकर आपको इसलिए प्रेरित किया. आपने बहुत से कैंप लगाए दिव्यांग जनों के लिए और एक ही दिन में 5,000 से ज्यादा इक्विपमेंट भी बांटे, इस बारे में बताएं सर. बिल्कुल, मैं जब हेड ऑफिस में जब निदेशालय विशेष योग्यजन में था तो यहाँ कुछ लिमिटेशन रहती है क्योंकि आपको यहाँ काम करवाना है, आपके जो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनसे काम करवाना. तो यहाँ जो है जैसे ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ यहाँ से, मुझे फर्स्ट टाइम जब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जयपुर शहर में बताया, हाँ लगाया, तो मैंने भारत सरकार से सहयोग समन्वय स्थापित करके एक ही दिन में एक बड़ा मेगा कैंप का आयोजन किया और उसमें 5,000 से ज्यादा इक्विपमेंट भारत सरकार से लेकर जरूरतमंद को बंटवाया. जी लेकिन सर हम कहते हैं कि अगर कितने भी ऊंचे मुकाम पर हम पहुंच जाएं, अगर परिवार का साथ हमारे साथ नहीं है, अपनों का साथ नहीं है, तो वो मुकाम भी किसी काम का नहीं है. आप जिस मुकाम पर है यकीनन उनके पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष रहा होगा, परिवार का भी, दोस्तों का भी. तो परिवार के बारे में जानना चाहेंगे. परिवार के बारे में बताना चाहूंगा, जो मेरे माता और पिता जब मुझे यहाँ से जिन्होंने जयपुर मुझे भेजा तैयारी करने के लिए, और लंबे समय तक जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता, परिवार के साथ साथ जो समाज है और आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं वो धीरे से कानों में घर वालों के डाल ही देते थे कि इतना लंबे समय हुआ. और प्रज्ञा आपको मालूम है कि जो सर का पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था सर की अर्धांगिनी के साथ वहाँ से. तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है सर, आइए सरप्राइज संदेश देखते हैं.
मेरे पति श्री संदीप कुमार सरल सहज और मिलनसार व्यक्ति हैं, कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं। हम 2005 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान एक दूसरे से मिले, मित्रता हुई। लगभग 7 वर्ष पश्चात ये मित्रता विवाह के बंधन में परिणित हुई। मेरे पति के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से आज मैं महिला बाल विकास में बाल विकास अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मेरे पति जो भी कार्य करते हैं वो तन्मयता से करते हैं। आज भी ये विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं उनको, और अपना अधिकांश समय अपने ऑफिस के कार्य में देते हैं, और इनका ज़्यादातर समय समाज सेवा में अपने ऑफिस को ही समर्पित है। इसलिए मुझे छोटी सी शिकायत है कि घर पे अपने समय बहुत कम दे पाते हैं। सर, आपकी अर्धांगिनी जो है उन्होंने बोला कि छोटी सी शिकायत है कि घर पे समय नहीं दे पाते, तो अब ये शिकायत जरा दूर कर दें और उनको भी समय देना शुरू करें। सर, समय की थोड़ी अभावता है, लेकिन चलते चलते एक संदेश जरूर लेना चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले विद्यार्थियों के लिए जो आरएएस बनना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा है, लेकिन मैं सबसे एक मैसेज यही देता था क्लास में भी कि आपको खिचड़ी बनानी आती है या खानी आती है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं आपको खिचड़ी बना के देते हैं, तो आप अगर बनाना सीख जाएंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो कोचिंग में क्या है, आप खुद अपने स्टडी करें, सेल्फ नोट्स बनाएं, और परिवार और समाज का सहयोग आपको मिलेगा बिल्कुल जब आप बेहतर रिजल्ट देंगे। जी सर, आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी आपने हमें जानकारी दी, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, और आपसे भी बहुत कुछ हमने भी सीखा है। आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन धरती धौरारी के फिर किसी ऐसे ही खूबसूरत अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को, मुझे यानी नकुल को, हम फिर मिलेंगे। जी।